गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आई एम नेहा आई होप यू ऑल आर गुड दिस इज योर मोरल बुक लेट द चैप्टर ट्वेल्व दिस इज द चैप्टर चैप्टर नेम इज द एज ऑफ इन्वेंशन द एज ऑफ इन्वेंशन वॉट यू मीन बाई चैप्टर एज ऑफ इन्वेंशन से आप क्या समझते हो कि जो इन्वेंशन का आविष्कार की उम्र ठीक है इन द स्टोरी दिस इज एन एग्जैक्ट फॉर्म फ्रॉम थॉमस एडिशन अर्लियर लाइफ ठीक है ये थॉमस एडिसन के टाइम की ये एक रियल स्टोरी है फैक्ट है रीड द एक्सट्रैक्ट टू हू नो हाउ डिलीकेटेड थॉमस वॉज सिंस ही वॉज यंग जब वो यंग uh, थे तो वो कैसे क्या करते थे कैसे उनके ऊपर ये स्टोरी समर्पित है ठीक है डिबेट का टॉपिक क्या है हाउ द फेयर इज़ दस्ट टू सेट डिडिकेशल्प इन दिलेश टास्क मच ईजी है तो आगे आते स्टोरी में थॉमस एडर्सन की स्टोरी है जो बाय द टाइम्स थॉमस वॉज अ यंग बॉय पहले जो था इस टाइम में थॉमस एडर्सन क्या है यंग है द यूनाइटेड स्टेट्स वॉज वेल इन टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ये इस टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का चेंजेस हो रहा है दिस वॉज़ अ पीरियड ऑफ़ हिस्ट्रीज वन द ग्रेट इंडस्ट्रीज वर बींग डेवलप्ड और इससे क्या हो रहा है जो यूनाइटेड स्टेट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो चुके हैं मतलब इंडस्ट्रीज खुल चुकी हैं बहुत सारी इन्वेंशनस हो चुके हैं द ट्रेन ब्रॉट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज इन देंचुरी और ट्रेन ने तो उनके जो सेंचुरी है इसको एक नया चेंज दे दिया है एक नया मोड़ दे दिया है नो लॉन्गर हैविंग टू रिले ऑन द हॉर्स अब किसी को हॉर्स में राइडिंग नहीं करने करना पड़ता है पीपुल्स हैव द चान्स टू गो टू द मोर प्लेस एंड सी न्यू पार्ट ऑफ द कंट्री हैवी मटेरियल्स कोड भी ईजिली ट्रांसपोर्टेड मतलब आसानी से ले जा सकते हैं बड़े बड़े सामान एज द ट्रेन ट्रैक ट्रैक स्लोली अक्रॉस द कंट्री और क्या हो रहा है ट्रेन का जो ट्रैक है रेल लाइन्स है वो पूरी कंट्री में धीरे धीरे बिछता जा रहा है मोर एंड मोर टाउन्स टाउंस व्रॉड क्लोजर टुगेदर और इससे क्या हो रहा है बहुत सारे छोटे छोटे जो शहर गांव हैं वो भी जुड़ते जा रहे हैं लाइक अ मैजिक कारपेट राइड एक मैजिक कारपेट राइड जैसा द ट्रेन इंट्रोड्यूस द नेशंस टू ऑल द नेचुरल वंडर्स ऑफ द कंट्री और ये क्या कर रहे हैं ट्रेन से क्या हो रहा है इंट्रोड्यूस हो रहा है पूरा नेशन जो नेचुरल जो उसकी चमत्कार है इंडिया सॉरी uh, इंडिया कह रहे पूरे कंट्री का जो भी स्पेशलिस्ट छह किसी चीज़ में वो किसी चीज़ में क्या है अगर बहुत ही अच्छा है कुछ जगह में तो वो चीज़ें हमें क्या बोल रही है इंट्रोड्यूस हो पा रही है मिल पा रही हैं आसानी से कैसे जैसे अगर हमारे साइड में आयरन अच्छा है तो हम आयरन बेचेंगे तो हमें यहाँ से ले जाने के लिए दिक्कत होगी कहीं भी ले जाने के लिए अगर वहाँ ट्रेन की सब अगर ट्रेन स्टेशन से ट्रेन है तो हम क्या करेंगे उसमें ट्रेन में स्टोर करा के रेलगाड़ी में और लेके कर चले जाएंगे और जहाँ हमें देना है वहाँ भी अगर रेल के पटरी हैं और ट्रेन है अवेलेबल तो हम वहाँ जाके स्टोर कर सकते हैं इसी तरह एज young बॉय द थॉमस लव्स द ट्रेन पहले छोटे सारे छोटे बच्चों की तरह देखा जाए लड़कों की तरह तो थॉमस को भी ट्रेन से बहुत ही लगाव था वेन हेज फैमिली मूव टू मिचिकेन जब उनकी फैमिली मिचिकेन जा रही थी ही सॉज द फर्स्ट ट्रेन तभी उन्होंने पहली बार ट्रेन देखी इट लुक लाइक अ मैकेनिकल ड्रैगन टू है ग्रेट क्लाउड्स ऑफ स्टीम्स प्रेगनेस कुड च अवे रीचिंग फार अवे बिग सिटीज इन अ शॉर्ट टाइम उसके बाद जो देख रहे थे जब उन्होंने ट्रेन देखी तो ऐसा लगता है मैकेनिकल ड्रैगन हूँ ठीक है उसका शेप और ड्रैगन जैसा दिख रहा था और उसके उसमें से धुआं निकल रहा था स्टीम जो क्लाउड बना रहा था और ट्रेन क्या है चक कर चक चक करके आगे बढ़ती जा रही है आगे बढ़ बढ़ती है दूर तक जाती है सिटीज़ से मिलती है कम टाइम में यंग थॉमस वंडर्स व्हाट द बिग सिटीज लुक लाइक लुक डिट लाइक ही वॉन्ट टू नो वट लाइफ वॉज लाइक इन द अदर टाउन्स ही वॉन्ट टू नो द ट्रेन्स टू बी लास्ट स्टॉप तो वो जानना चाह रहे थे उस थॉमस उस एज में कि कैसी और सिटीज दिखती होंगी और कैसी लाइफ वो टाउन की होती होगी और कैसे ट्रेन का लास्ट स्टॉप क्या होगा ऐसी सारी जिज्ञास थी एट द ट्वेल्व ईयर्स ऑफ एज द थॉमस हिज पेरेंट्स टू लेट हिम स्टॉप स्टडिंग इंग सो ही कुड वर्क ऑन द ट्रेन अब ट्वेल्थ की एज में थॉमस के सॉरी पेरेंट्स क्या है अपने पेरेंट्स को कहते हुए कि स्टडीज को रोक के वो क्या करना चाहते हैं ट्रेन के ऊपर काम करना चाहते हैं हिस्स मदर्स वॉज़ वेरी अपसेट उनकी मदर बहुत ही दुखी हुई शी डिड नॉट वॉन्ट टू थॉमस टू गिव अप हिज एजुकेशन और उसकी मदर ने वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि थॉमस अपनी पढ़ाई रोके ही ऑल्सो वॉज द यंग चिल्ड्रन इन द फैमिली और वो सबसे छोटे uh, परिवार में सबसे छोटे सदस्य थे एंड हिज मदर्स होप डिड ही वुड फाइंड अ बेटर जॉब और वो चाहते थे कि उनकी उनका बच्चा uh, जो है वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करे और अच्छी जॉब पाए इस फादर वॉज अनश्योर वॉट टू डू और उनके फादर अनश्योर से क्या किया जाए थॉमस थॉमसादर्स डिड नॉट हैव अ लॉट्स ऑफ मनी और उनके पास ज़्यादा पैसे थे नहीं द एक् एक्स्ट्रा अर्निंग फ्राम जो थॉमस जॉब्स वुड बी अ बिग हेल्प टू द फैमिली और वो चाह रहे थे कि एक्स्ट्रा जो अर्निंग आएगी थॉमस की जॉब से वो उससे ही बहुत बड़ी मदद होगी उनकी फैमिली में गुजारा करने के लिए कन्विसिंग हिज मदर्स डैट ही वुड कंटिन्यू टू स्टडी द यंग बॉय टुक अ जॉब सेलिंग न्यूज एंड कैंडी ठीक है अपनी माँ को समझाते हुए उन्होंने क्या कहा कि अब वो पढ़ाई छोड़ेंगे नहीं पढ़ाई करेंगे और साथ ही में एक छोटी सी जॉब भी करेंगे जो न्यूज़पेपर और कैंडी बेचने की थी इट वॉज़ अ हार्ड लाइफ द फर्स्ट डे वर्स अ शॉक टू द बॉय हु हैड नॉट यट टर्न्स द थर्टीन ओल्ड तो क्या हुआ ये थोड़ा सा हार्ड लाइफ थी जो पहला दिन था उस दिन के लिए शॉक था उस बच्चे के लिए जो अभी तेरह साल का भी नहीं हुआ था वर्किंग फोटीन एंड मोर और मोर आवर्स क्या हो गया फोर्टीन में उन्होंने और भी काम किया फ़ोर्टीन तक काम किया और कुछ घंटे ज़्यादा किए थॉमस थॉमसटार्ट डे एट सेवन एम कैचिंग द ट्रेन एट हिज टाउन इन मिचिगेन ही डिड नॉट हैव अ सैलरी ऑल Of this money came from sales. He had to work many hours to get, make just a little money during the long trip of, to Detroit.

वो जब भी क्या करते थे वो एक, एक लॉन्ग ट्रिप कर लेते थे ट्रेन जो है उसमें काम करते थे और काफ़ी मेहनत करने के बाद उनके पास थोड़े बहुत पैसे आ जाते थे उसके बाद वो क्या करते रहते थे ट्रैवलर्स की बातें सुनते थे और उनके बारे में बिग सिटीज़ के बारे में स्पेशल चीजें के बारे में इवेंट के बारे में पॉलिटिकल्स के बारे में और ऐसे डेरोड पहुँच के आफ्टरनून में वो उसके बाद वहाँ घूमते थे ठीक है जब तक सिटी में थॉमस किप हिज़ प्रामस टू हिज मदर थॉमस ने अपने मदर के प्रॉमिस भी क्या किया पूरा किया हैडिंग फॉर अ लोकल रीडिंग रूम और लाइब्रेरी ही वुड स्पेंड्स आवर्स रीडिंग एज मैनी बुक्स एज ही कुड ही फोकस ऑन द साइंस स्पेशली केमिस्ट्री तो उसके अलावा अपनी माँ का भी बातें पूरी की उन्होंने लोकल रीडिंग रूम या ये लाइब्रेरी में जा पढ़ाई की और उन्होंने काफ़ी टाइम पढ़ाई में लगाया उन्होंने साइंस में फोकस किया और स्पेशली केमिस्ट्री में ऑल ऑफ द न्यू आइडियाज़ एंड एक्सपेरिमेंट्स वर्स फैशिनेटिंग टू द बॉय और ये सारे न्यू आइडियाज एक्सपेरिमेंट किसको प्रभावित कर रहे थे उस लड़के उन उनको प्रभावित कर रहे थे ठीक है Famous scientists and inventors from around the world were experimenting with the Earth uh, theories uh, of uh, electricity and power. Others look for the better way to communicate over the long distance. During this uh, long trips, uh, train trips to homes, walking the uh, as लुकिंग टू सेल his newspaper and एंड कैंडी थॉमस about अबाउट of ऑफ थिंग्स and एंड पॉसिबिलिटीज़ क्या हो रहा था केमिस्ट्री भी पढ़ते जा रहे थे और उन्होंने उनके बार फैसिनेटिंग बॉय को जो क्या करते जा रहे थे जो साइंटिस्ट थे इन्वेंटर थे अराउंड द एक्सपीरियंस जो भी था थे, वो सब थ्योरी ए थी एलेक्ट्रिसिटी और पावर की उसके बारे में जो भी उनकी देख उनका देखना था सुनना था उस, उस लॉन्ग डिस्टेंस में उनको समझ आ रहा था ठीक है कोई ना कोई बात करता था उनके दिमाग में आ जाता था ड्यूरिंग ये पूरी जो जर्नी रहती थी घर तक की तब वो क्या करते थे न्यूज़पेपर कैंडी बेचते थे उसके अलावा क्या करते थे थॉमस अपने मन में जो जब बातें सुने होते थे उसमें आइडियाज़ और पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है उसके बारे में भी सोचते थे द टाइम बस बहुत एक्साइटिंग एंड डिफिकल्टी फॉर द थॉमस थॉमस का जो टाइम था वो डिफ़िकल्ट भी था और एक्साइटिंग भी था ही ऑफ एन वर्स ट्राइड एट द एंड ऑफ द डे और इसके वजह से वो क्या हो जाता था थक जाते थे रात होते थे वायल द अदर बॉयज प्लेड ही वर्कड ऑल टाइम ऑल सॉरी ऑल डे एंड देन वेंट क्विकली टू द बैड एट द नाइट क्या होता था आ, कि, और सभी लोग जहाँ खेलते थे सारे बच्चे वहाँ हम अस क्या करते थे पूरे दिन काम करते थे और रात में जल्दी से आके सो जाते थे सम किड्स इवन हैड अ चांस टू गो टू द स्कूल्स दिस मेड थॉमस थिंक्स अबाउट दिस हिज ओन लाइफ ही आल्सो वाज नॉट हैप्पी विद द लिटल मनी ही आन क्या हुआ कुछ लोगों को लो, कुछ बच्चों को तो चांस भी मिलता है स्कूल जाने का यही सोच के फिर उन्होंने उनकी लाइफ में भी उन्होंने सोचा कि कि ये सोचा अपनी लाइफ के बारे में क्या हो रहा है उनके साथ तो वो कुछ भी नहीं थे इतने थोड़े थोड़े पैसे कमा के तो डिसाइडिंग टू डू हैज़ ओन एक्सपीरियंस उन्होंने ये ओन एक्सपीरियंस लेने के लिए वो डिसाइड किया वन डे थॉमस टू अ बास्केट ऑफ वेजिटेबल्स फ्रॉम द फैमिली गार्डन और एक दिन क्या किया वो ये सब्जी भर के टोकरी भर के सब्जी अपनी फैमिली गार्डन से लेके ट्रेन जॉब में लग गए द आइडियाज वॉज अ ग्रेट सक्सेस बाय द एंड ऑफ द डे ही सोल्ड एवरीथिंग ही हैड ब्रॉट और सब कुछ बेच दिया और क्या ले, और लेके क्या लेके पैसा मिला सुन ही वो सेलिंग सो मैनी वेजिटेबल दैट ही हैड टू ट हायर्स अदर्स बॉयज टू हेल्प हिम क्या होने लगा उसके बाद उन्होंने बहुत सारी वेजिटेबल बेचना स्टार्ट कर दिया और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे बॉयज़ को भी हेल्प के लिए रखा Thing continues to go to the well for the young boy or as he chalta learning that the peoples bought the paper on the day of big news event he often uh, notified that a trains station to advertise his newspaper on the uh, the day of the first major battle of the civil war in the 1862. थॉमस वॉज एबल टू सेल मोर पेपर्स दैन एवर फॉर आर स्पेशल रेट तो ये ए क्या हुआ और कुछ अच्छा समझ आया उस यंग बॉय को क्या आया कि लर्निंग जो होती पीपुल क्या ठ, क्या बोलते हैं लर्निंग दैट द पीपल्स वॉट द न्यू वॉट द पेपर्स ऑन द डे ऑफ द बिग इवेंट क्या समझ आया कि लोगों को तब यादगार लम्हे याद करने की ज़रूरत पड़ती है जब कुछ नया हुआ हो या कुछ न्यू उस एवेंट हुआ हो बिग हाँ तो उसी के रिलेटेड में न्यूज़पेपर की नीड होती है तभी वो क्या होता है जिसमें न्यूज़पेपर का ट्रेन स्टेशन में एडवर्टीजमेंट भी होता है ठीक है इस तभी क्या होता है न्यूज़पेपर ज़्यादा पब्लिश होता है और डिस्ट्रीब्यूट भी होता है मतलब बेचा जाता है सेल किया जाता है और लोग खरीदते भी है हाई रेट पर ठीक है स्पेशल रेट में द नेशन वॉर्स एट एट वॉर बट द लाइफ फॉर द यंग थॉमस वॉज लुकिंग ब्राइटर क्या था नेशन लड़ाई के युद्ध में था युद्ध हो रहा था लेकिन जो थॉमस की लाइफ थी वो उजाले में थी ही वॉज नॉट एजर्स विथ अ गुड जॉब ही इवन द स्टार्ट हिज ओन न्यूज पेपर अ स्मॉल शीट ऑफ पेपर विथ एक्नोलेजमेंट एंड एडवर्टीजमेंट ऑल थोर द आवर्स वर्स लॉन्ग एंड द वर्क हार्ड ही did well and bring homes enough money to help his parents. After his troubles at the schools and then the difficulties of job, Thomas never thought he would have to face another challenge. तो क्या हुआ वो teenager अभी वो teenager थे अच्छी job के साथ उन्होंने newspaper भी start किया था अपना और वो क्या थे छोटे छोटे छीत थे paper के जो उसमें अन्य एक्नोलेजमेंट था मतलब इंफॉर्मेशन और उसके साथ साथ एडवर्टीज़मेंट भी होता था और वे धीरे धीरे क्या हुआ लॉन्ग टाइम तक ऐसे कहा काम करते रहे काफ़ी टाइम घंटों तक हार्डवर्क किया और जिसके बाद उन्हें इनफ मनी भी मिला जो पेरेंट्स की हेल्प कर सके और उनका जो ट्रैवल था जो प्रॉब्लम थी स्कूल के लिए और डिफ़िकल्टी थी जॉब के लिए उन्होंने सब फेस किया और उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि वो आगे की प्रॉब्लम चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे या नहीं मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है हार्डवर्क पे ऑफ सून और लेटर ठीक है जो कठिन परिश्रम है वो क्या करता है हमें इसकी वैल्यू हमें देता है मूल्य देता है कब या तो पहले देगा या तो काफ़ी देर में देता है ठीक है तो मेहनत करते जाइए फल की टेंशन मत लीजिए रीड द चैप्टर Complete your work in your book and notebook. Thank you.